बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा फ्रूट ट्रफल। फ्रूट ट्रफल बनाने के लिए मैं एक बेकरी में कस्टर्ड तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने ले लिया है 2 किलो के करीब दूध। ठंडे दूध के अंदर हम शामिल करेंगे अपना कस्टर्ड पाउडर। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वनीला का कस्टर्ड पाउडर। आप चाहो तो मैंगो के साथ बना सकते हो, स्ट्रॉबेरी के साथ बना सकते हो, या जो आपका टेस्ट फ्लेवर आप लाइक करते हो। जी, तो इसके अंदर मैंने ठंडे दूध के अंदर 5 से 6 ये खाने के चम्मच डाल दिए हैं, जिसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्स क्रिएट ना हो और वो स्मूथ एक पेस्ट तैयार हो जाए। जी जनाब, तो ये हमारा स्मूथ सा, ये देखें, विद नो लम्स अच्छा सा रेडी हो गया है। तो चलिए डालते हैं इसको अपने मिल्क में। जी, यहाँ पे मैं दूध के अंदर इसको शामिल करती जाऊँगी, साथ साथ चम्मच कंटिन्यूस हिलाना चाहना है। मीडियम रखना है फ्लेम को और उसको कुक होने देना है। इतनी देर में हम प्रिपेयर करते हैं अपनी जेली। अब जब कस्टर्ड इस तरह का थोड़ा सा हाफ डन हो जाए, इस टाइम पे हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। इस क्वांटिटी के हिसाब से शुगर इसमें जाएगी, 2 kg मिल्क के अकॉर्डिंग एंड 3 dash salt। अगर आप इसको कप में मेजर करना चाहो तो इसमें जाएगी 3/4 cup ऑफ शुगर। मतलब अगर 1 cup है तो उसका 1 हिस्सा आपने खाली रखना है, 3 हिस्से आपने उसमें शुगर शामिल करनी है। अब इसको कुक होने देंगे, बट चीनी डालने के बाद ये बात याद रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको स्ट्रेट करते रहना है वरना ये नीचे लगेगा। जी, तो कस्टर्ड की ये निशानी है ट्रफल के कस्टर्ड के लिए कि ये कर्डलिंग होना चाहिए, इस तरह का ना थिक थिक सा होना चाहिए, जिसके अंदर ऐसे थिक लम्स क्रिएट हों। ठीक है, ऐसे ऐसे लम्स क्रिएट, और ये जो साइड्स पे भलाई आ जाती है ना, इसको आपने इसके अंदर ज़रूर शामिल करना है। ये देखें कितना थिक है कि मुझे इसको ऐसे करके डालना पड़ रहा है। तो जी, प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैंने एक ग्लास ले लिया है, कोई सा भी आप इस तरह का ग्लास ले लें। तो डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी तमाम चीज़ें ये हैं, थोड़े से मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं, जो भी इजीली फ्रूट्स अवेलेबल हों। ग्रेप्स और मैंगो का पल्प बना लिया है मैंने इस तरह करके। ठीक है, मैं हाथ से मैश किया है, कोई मतलब चम्मच की हेल्प से। ये जेली है, ये मैंने केक लेकर उसका चूरा बना लिया है। ये कोई भी आपकी चॉइस का बिस्किट है, ठीक है, उसको आपने चूरा कर लेना है। ये मेरे पास कैरमल सॉस है, ये घर की प्रिपेयर की हुई है। इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक में दे दूँगी, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये मैंने जैम जो बनाया था, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का, ये वो है। आप चाहो तो स्ट्रॉबेरी की जगह मैंगो का पल्प भी डाल सकते हो। और एट द एंड ये मेरे पास है मिल्क पैक की क्रीम, या किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें डालोगे, तो फिर अब इसमें डालोगे थोड़ी सी कैरमल सॉस,
kindly like and subscribe my channel for more videos और bell icon को press करना मत भूलिएगा.